सिर्फ मुसलमानों की है और इंशाल्लाह वहां बाबरी मस्जिद कायम होकर रहेगी। लानत हो यजीद और उसके बाप माविया पर जिसकी पैरोकारी ने तुम्हारे दिलों से हक परस्ती छीन ली। इस देश के अंदर नेता जो विरोध कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। आप भी उसी भीड़ का हिस्सा है जो हाथ में तलवार लेकर इंसानियत का खून करने पर आमादा है, और वो भी इस्लाम के नाम पर। मैं आरिफ खान इसी वक्त तलाक देता हूँ। हम एक ऐसे मजहब में पैदा हुए जहाँ घर की बहू के साथ हलाला के नाम पर घर के ससुर हम बिस्तर हुआ करते हैं। बाबर ने जो कलंक किया है उस कलंक को ध्वस्त करना है। अगर ऐसा हुआ तो हिंदुस्तान में इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। हिंदू सहिष्णु था, हिंदू सहिष्णु है और हिंदू सहिष्णु रहेगा। तैयार हो जाएगा एक और जंग के लिए। नेता जी, आपने जो काम कहा था वो हो गया। इसको टारगेट नहीं किया गया है, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं किया गया है। एक अच्छा कैरेक्टर, एक बैड कैरेक्टर जैसे हर फिल्म में होता है, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। मैं ये समझता हूं कि इस पिक्चर से कुछ नफरतों का माहौल ठीक होगा। वो लोग जो के इस तरह के मुल्लाओं के धार्मिक तकरीरों में और धार्मिक जो वो उनके जो मिशंस होते हैं उसमें आकर ऐसी क्रिया करने लगते हैं कि जिससे देश का माहौल खराब हो, बहक जाते हैं। इस्लाम जो है वो इंसानियत का मजहब है, इंसान इस्लाम प्रेम का मजहब है, मोहब्बत का मजहब है। उसको जब नफरत की तरीके से प्रमोट किया जाता है तो उसके नतीजे गलत होते हैं। तो ये हमने इसको दर्शाने की कोशिश की है। हमारी टीम जो यहाँ पर मौजूद है, हमारे डायरेक्टर साहब सनोज मिश्रा जी, इन्होंने बड़ी मेहनत की और बड़े बड़ी जगह जगह पे देखिए हमने बहुत धीरे धीरे इस पिक्चर को बनाया है, आप लोगों की निगाहों से भी छुपाया है। उसकी वजह ये थी कि अगर के इस तरह की पिक्चर मेरे नाम से सामने आ जाती, हम ये समझते कि हमारी टीमों हम समय बहुत मार खाते। और हुआ है, कई जगह हुआ है, कई जगह हुआ है, अयोध्या में भी हुआ, फैजाबाद में भी हुआ, नीमसार में भी हुआ, कई जगह हमारी टीम को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहरहाल हमने एक टारगेट था उसको अचीव किया और पिक्चर पूरी कंप्लीट कर दी है। आज उसका हम ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं और दिसंबर की एंड तक इसको सभी थिएटरों में किसी बड़ी एजेंसी से रिलीज कराने की भी तैयारी है। और हमारे साथ में विवेक जी बैठे हैं जो सहायक प्रोड्यूसर हैं हमारी फिल्म के, इनकी भी बड़ी मेहनतें रही हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा थोड़ा सा ये लोग भी अपने उस संघर्ष के बारे में आपसे शेयर करें और उसके बाद हम आपको ट्रेलर दिखाते हैं, उसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे उसके जवाब देने के लिए हम तैयार हैं।